भी अच्छी फसल भी अच्छी। आप यहाँ पे तो दाम होगी इतनों की है कि नहीं जी, वहाँ आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा। और जो जैविक पोटास है, अगर आप गोबर की खाद नहीं डाल पा रहे हैं, कंपोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं अपने खेत में, तो जैविक पोटास या जैविक उर्वरक का प्रयोग जरूर करें। अब गन्ने में अगर बात करूं कि जो गन्ना अगेती वाला होता है, जो बोते हैं क्या कहते हैं सीजन शरतकालीन गन्ना, जो लगभग 18 महीने की क्राप होती है, एक साल ज़्यादा क्राप होती है, उसमें पैदावार इस बात पर निर्भर करती है कि आपने बुआई के समय प्रजाति का चयन और 90 दिन तक फसल की देखभाल कैसे की है। और फिर जब ये जनवरी का महीना आता है, 15 जनवरी के बाद का समय, उस समय उस फसल में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है शरतकालीन गन्ने में। तो इसलिए शरतकालीन गन्ने में कहा जाता है कि हमेशा कि शरतकालीन गन्ना चूंकि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, इसमें आप लोग कोई न कोई अंतर फसल जरूर लीजिए, इंटरक्रॉपिंग जरूर करिए, जैसे मटर, जैसे मसूर, सरसों, धनिया, चना। एक समस्या बहुत जटिल है साहब की तरफ से, जब पहले हमें सब गन्ना बोत रहे ना, तो जनवरी में पर्ची हमारे सबको बारीक कहा जाता है, जनवरी शुरू हो जाता है, 1 जनवरी से हमारे सबको मतलब। आपकी चीनी मिल कौन है? हैदराबाद से। अच्छी चीनी मिल है आपकी तो? हाँ साहब, तो उसमें हमको क्या मिलता था, अच्छी पेड़ी मिलती थी, बारीक अगर हम 100 क्विंटल काटते थे तो उसी में पेड़ी 100 क्विंटल काटते थे। अब आपकी पर्ची जो हमको मिल रही है मार्च में मिल रही है, अब अगर हम कटाई कर दिए, हमारा कल्ला फरोली निकल गया है, सब कल्ले हमारे कट गए, वो जो कल्ले दोबारा निकलते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। हाँ, इससे हमारी खेती बिल्कुल ये सही है, ये तर्क आपका सही है। हाँ, कि लेट कटिंग होने पर फिर पेड़ी प्रभावित होती है। हाँ, ये सही है, इससे हम धाराशाही हो रहे हैं, ये सही बात है कि आपका लेट होगा तो प्रभावित होगा, धाराशाही हो रहे हैं सर। हाँ, इससे नुकसान होता है। पिछली बार हमने जो गन्ना हमने जो उसमें काट दिया था फरोली में, कितना बीघा बोते हैं गन्ना? हमारे पास तो 10 बीघे जमीने हैं, 10 बीघे जमीन है, 10 बीघे गरीबी। गन्ना कितना बोते हैं? 17-18 बीघा कच्चे बो देते हैं सर उसमें। अच्छा अच्छा लेकिन पिछली बार हमने फरवरी में गन्ना काट दिया था, 5 फरवरी पहले 5